तो आइए रेलवे का सेट नंबर 3 पढ़िए। इसमें तीनों का रखे हैं, जनरल का भी है, एनटीपीसी का, लोको पायलट वाला भी है और ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन इसमें रखे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। बोला गया है कि समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एरिया है 24√3। फॉर्मूला बोलिए इसका एरिया का, √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24√3। √3 कैंसिल हो गया, एक्स का मान निकालिए, इसको तोड़िए, 6 × 4 का रूट हो गया 4, 6 का नहीं निकलेगा। अब बोला गया कि इसका पेरीमीटर बताइए, परिमाप बताइए। परिमाप किसको कहते हैं? तीनों भुजा के जोगफल को। 3x का मान हो गया 12√6 और आपका आंसर हो गया d। चलिए अगला क्वेश्चन तो आपको मैथ्स का नहीं, रीजनिंग का है। दोनों तरफ से 14 पढ़े होइएगा, टोटल के लिए जोड़ के घटा देते हैं, आंसर हो गया 20। नेक्स्ट पेज में आइए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कौन चैप्टर का, ट्रेन चैप्टर का। तो बोला गया 90 मीटर लंबी ट्रेन, पहले ये बताइए ट्रेन वाला क्वेश्चन बनाते कैसे थे? तो स्पीड इंटू टाइम बराबर लेंथ। तो ये बोला गया है कि 90 मीटर लंबी ट्रेन, लेंथ हो गया 90, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार कर जाती है, तो पुल का लंबाई भी जोड़ना पड़ेगा, उसका लेंथ मान लेते हैं एक्स। स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड और टाइम भी आपको दिया गया है 15 सेकंड। अभी देख लीजिए सब होना चाहिए मीटर, मीटर पर सेकंड तो है ही, ये भी मीटर में है मीटर पर सेकंड, कुछ गुना करना नहीं है। तो 15 × 15 बोलिए 225, 225 में 90 घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 135 मीटर। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 3 घंटे में कहीं पहुंचता है। समान दूरी पर वापस 16 की स्पीड से दौड़ता है, तो उसके द्वारा लिया गया समय क्या होता है? तो बहुत हल्का है, 4 का स्पीड से है तो 3 घंटा, 16 का स्पीड से है तो मान लीजिए एक्स, कटाइएगा 4 बार कटेगा, 3/4 आवर, मिनट में देगा तो 45 मिनट हो जाएगा, 60 से गुना कर लीजिएगा 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर आइए 48 पे। लिखा एक संख्या का 2/3 का 1/4 100 है, तो संख्या क्या है? तो ऊपर से ऊपर कटा लीजिए, 2 से ही कट जाएगा 50 बार, क्रॉस गुना करिए 200 × 3 = 600, आंसर हो गया। ये सब तो खुद बनाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लिखा एक वस्तु को इतना रुपया में बेचने से दुकानदार को 10% हानि होता है, तो कितना में बेचे कि 10% लाभ हो? तो पहले वो बेचता था 3735 रुपया, 3735 रुपया में, और 10% लाभ पर बेचेगा तो ज़्यादा में बिकेगा, तो 10% हानि है तो 90%, 10% प्रॉफिट है तो 110%,
तो ज़्यादा में तो ज़्यादा के लिए गुना 110 बटा 90 से करें कि 90 बटा 110 से, 110 बटा कैलकुलेशन करिएगा आंसर हो जाएगा। ग्यारह से गुना करने का शॉर्टकट मेथड बताते हैं, 5 जोड़िए 6 5 4, आंसर हो गया 4565 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 20 निरीक्षण का अंगणितीय माध्य मतलब एवरेज, बाद में पाया गया कि एक गलती से 24 के बजाय 42 पढ़ लिया गया था, तो गलती वाला पली देखिए 24 के बजाय 42 पढ़ लिया गया था तो अंतर कितना का पड़ा, तो 42 - 24 कर लीजिए। अभी सोचा जाए 24 पढ़ना था लेकिन पढ़ कितना लिया 42, तो ज़्यादा पढ़ लिया कि कम पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिया गया था, 18 ज़्यादा पढ़ लिया गया था, तो 18 आपको कम करना होगा, लेकिन एवरेज निकाल के तो टोटल के गो संख्या है 20 गो, इसका औसत में अंतर निकाल लीजिए यानी 20 से भाग दे दीजिए, एवरेज डिफरेंस हो गया 18/20 9/10 0.9। अब नया औसत निकाल लीजिए, तो मेन औसत पहले कितना था 15.5, ये 0.9 से घट जाएगा, ये हो गया आपको 14.66, तो आंसर हो गया 14.6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 5 लीटर चीनी पानी का मिश्रण है, 6% चीनी है, 1 लीटर पानी डाल देने पर, मिश्रण वाला क्वेश्चन है, तो जो बढ़े या घटे उसको छोड़ दीजिए, तो पानी बढ़ाने की बात हो रही है तो पानी को छोड़ दिए, पानी बढ़ नहीं रहा है घट रहा है, भाप बन जाता मतलब पानी घट रहा है, तो जो घटे या बढ़े उसको छोड़ देते हैं, तो बराबर किसको कर दें चीनी को, तो लिखिए चीनी बराबर चीनी, शुगर बराबर शुगर, तो पहले मिश्रण था 5, चीनी था 6%, 1 लीटर मिश्रण यानी 1 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो अब बच गया 4, इसमें चीनी का परसेंटेज अब आपको निकल जाएगा, तो आइए 2 से तो कटा लीजिए, ये 2 3 15 का आधा 7.5। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहीं बोला है कि चीनी का परसेंटेज बताइए, तो वहीं आपका आंसर हो गया 7.5। क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए, बोला गया है कि ए और बी का वेतन 25,000 रुपया है, वेतन का 75% खर्च करते हैं, बचत का अनुपात है 14 और 11, तो बोला गया है उनके वेतन का पता लगाएं, तो वेतन का जोगफल दिया गया है, तो एगो मान लीजिए एक्स, एगो मान लीजिए 25,000 - x, या दोनों तो समान ही खर्च करता है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इसका यूज नहीं भी कर सकते क्योंकि दोनों 75% ही खर्च करता है, तो 14 11 में सीधे बांट दीजिए 25 को, तो 14 11 जोड़िए, 25 से कटेगा 1,000, एगो 14,000 एगो 11,000, बनाने की जरूरत नहीं है, 25,000 को इन 14 और 11 में बांट दिए, तो 14 11 जोड़िए 25, 25 से भाग दीजिए 1,000, तो ये हो गया 14,000, ये हो गया, छोड़ देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 55 आई है, बोला गया है कि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर का खुदाई करता है, तो 15 पुरुष कहते हैं, तो एकिक नियम का क्वेश्चन एंट्री मेथड का, 10 आदमी को 8 दिन लगता है तो 15 आदमी को मान लिया जाए एक्स, 10 आदमी को लगता है 8 दिन तो 15 आदमी का निकालना है, कैलकुलेशन कर लीजिए, पाँच पूर्णांक 1/3 दिन हो गया यानी 5.33।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए, बोला गया है कि आरोही क्रम में सजाने पर उसका माध्य कितना होता है, 15। माध्य मतलब एवरेज, तो एक्स का मान होता है। आरोही क्रम अवरोही क्रम से कोई मतलब नहीं होता है, एवरेज चाहे जैसे रहे एवरेज है। तो आइए एक्स का मान निकालना है, शॉर्टकट मेथड में देख लीजिए। तो मेन एवरेज कितना दिया है, 15, तो 15 तो होगा ही। अब 15 से जो कम है बढ़ाइएगा, 15 से जो ज़्यादा है उसको घटाइएगा। तो 15 से ही कितना कम है, 12, तो 12 ही बढ़ेगा। 15 से ही कितना कम है, 9, तो 9 यह बढ़ेगा। 15 से ही 8 कम है तो 8, 15 से 4 कम है तो 4 बढ़ेगा। ये 15 है तो कोई बढ़े घटेगा नहीं, ये 15 से 4 ज़्यादा है तो अब 4 घटेगा, ये 5 ज़्यादा है तो 5 घटेगा, 10 ज़्यादा है तो 10 घटेगा, ये 13 ज़्यादा है तो 13 घटेगा। अब इसी का कैलकुलेशन कर लिया जाए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए, 15 15 कैंसिल हो गया, तो आइए 12 और 9 हो गया 21, 8 29, 29 में से 13 घटा दीजिए, आंसर हो गया 16। क्वेश्चन नंबर आइए 57 पे। दो अंकों की संख्या का गुणनफल इतना है, एलसीएम इतना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्या का गुणनफल होता है, तो सीधे इससे कटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम है, यदि इसको कटा दीजिएगा तो ये आपको क्या निकल गया, एचसीएफ निकल जाएगा। एलसीएम दिया था 180, इसको कटा दिया तो 120 निकल गया। चलिए, अब बोला गया है कि उसका लसाई इतना है, तो संख्या चाहे दोनों संख्या ज्ञात करना है, तो इसको तो ऑप्शन से ही बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 72 गुना 30 से 160 होता है। चलिए, इसका एलसीएम आना चाहिए कितना, 180, तो ये दोनों का एलसीएम 180 नहीं आएगा, क्योंकि 180 72 से नहीं कटेगा। 36 60 दोनों से ही कटेगा तो यह ठीक है, और एलसीएम आना चाहिए कितना, 180, तो 180 दोनों का एलसीएम होगा, तो आंसर हो गया बिना। तो इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है, बाई ऑप्शन ट्राई करिएगा। बनाने में थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, यहाँ पर एक, यहाँ पर 12 लिखिएगा, 120 लिखा गया था 12, हालांकि निकालने की जरूरत नहीं था, इसलिए कि 12 एचसीएफ निकलेगा, हम एचसीएफ से निकाल के बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर आइए कितना हो गया, 58। बोला गया है कि इसका एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ के लिए बोलते थे कि बड़ा संख्या है तो दोनों को क्या करिए, घटा दीजिए, नहीं तो ऑप्शन से देखिए। जैसे 8 7 15, 15 3 से कटता है, तो ऑप्शन यह नहीं, यह नहीं। चलिए 8 7 15 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटने वाला, तो आंसर हो गया 6। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 3 से कटता है, बाकी कोई 3 से नहीं। क्वेश्चन नंबर आइए 59 पे, और बड़ा रहता तो इसको घटा देते। एक परीक्षा में 25 सवाल पूछा गया, सही जवाब के लिए 4 अंक मिलता है, गलत के लिए 2 काट लिया जाता है, 70 अंक प्राप्त किया तो कितना, तो दो मेथड, एक मेथड तो दो भाग में बांट के बनाइए, एक एक्स एक 25 माइनस एक्स, देख लीजिए सही वाला पूछा है कि गलत वाला, सही वाला, तो सही वाला एक्स मान लेते हैं तो 4 अंक मिला, गलत वाला में 2 कटता है तो 2 निगेटिव कर दीजिए, तो सब मिला के 70 मिला, 4x 2x दोनों जुड़ जाएगा 6x,
ये हो गया माइनस 50, जोड़ दीजिए 120, एक्स का मान 20 आंसर हो गया, एक मेथड। दूसरा मेथड बोले थे कि कोई भी चीज़ को जब दो भाग में बांटा जाता है, एक और बहुत हल्का मेथड है, 25 को क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 25 गलत बनाया, सही वाला निकालना है तो गलत मानिए, गलत वाला निकालना है तो सही मानिए, तो माइनस दो अंक मिला यानी माइनस 50, लेकिन एक्चुअल मिला कितना है 70, तो ये दोनों का डिफरेंस आइए तो डिफरेंस हो जाएगा कितना 120। और अब देखिए आपको एक सही और एक गलत का अंतर कितना है, तो सही पर 4 मिलता है, गलत पर माइनस 2 मिलता है, तो ये दोनों का डिफरेंस आइएगा तो 6 होता है, तो डिफरेंस में हम लोग डिफरेंस से भाग देते हैं तो आंसर आ गया 20। मानिएगा गलत वाला तो निकल जाएगा सही वाला, मानिएगा सही वाला तो निकल जाएगा गलत वाला, जैसे मुर्गा बकरा वाला क्वेश्चन बताए थे वही बात यह भी है। चलिए अगला को सोल्व करना है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हो गया 60। सीधा ही सोल्व करिए, कोई बहुत ऐसा शॉर्टकट मेथड तो है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया आपको 5x, इधर 3x, सॉरी y है 8y, नंबर को एक तरफ कर लीजिए, फिर हो गया 15 × 3 45, इधर वाला नंबर घटा लीजिए, ये हो गया 5 × 6 = 11, तो ये बच गया आपको 34, y का मान हो गया 34/8 17/4 4.25 आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पर आइए, कहता है कि एक आदमी का नाम है जेम्स, गणित विज्ञान इतिहास में प्राप्त अंकों का औसत 89 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाँ ये इसमें 3 सब्जेक्ट है, गणित विज्ञान इतिहास, औसत आपको तीनों का दिया है, अब उसमें एक और का जोड़ दिया जाए तब औसत हो जाता है कितना, तो यही है 3 का एवरेज, एक गो का है 4 का है, तो जो चीज सीधा है उसके लिए ट्रिक काहला लगाइएगा, तो सीधा एक मेथड तो ऐसे 4 × 88.25 में से 3 का घटा लीजिए 89, तो आइए 4 × 2500 हासिल हो गया, 8 × 4 = 32, एक हासिल था 33, 33 में से 9 × 3 = 27 घटा लीजिए, तो ये हो गया आपको कितना 6, हासिल वगैरह कुछ नहीं, फिर 4 × 8 = 32, आई हो गया 24, घटा लीजिए आंसर हो गया 86, और नहीं तो फिर ऐसे भी बना सकते हैं, दूसरा मेथड बता रहे हैं, फिर से 89 और ये कितना, इतना घट कितना गया, तो घट गया 0.75, तो 0.75 घट गया, पहले का एवरेज कितना था 89, इसके आने से घट रहा है तो आने वाले का कम हो गया, इसके आने से कितना कम हो गया तो 0.05, अब के गो का कम हो गया तो सबका कम हो गया, सबका 3 नहीं 4, तो आंसर हो गया 86। अंकिता 40 मीटर लंबाई 30 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है, अंकिता केवल विकर्ण साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो विकर्णवत जाता भी है विकर्णवत आता भी है, यानी विकर्ण का क्या निकालना है दुगुना, तो याद करिए 40 है 30 है, तो ऐसे समझिए 3 4 5 का रिलेशन होता है ना, 3 4 5 समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, 3 4 5, तो 30 40, तो विकर्ण कितना हो गया 50, दुगुना कर दीजिए तो आंसर हो गया 100,
क्योंकि 50 जाना है अब 50 आना है, तो आंसर हो गया 100 में। चलिए, दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल इतना है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, यानी 375 को 5/3 में बांट देना है। 75 को कितना में बांट देना है? 5/3 में। तो बोला गया है कि छोटी संख्या का पता लगाएं। तो आइए, एक संख्या मान लीजिए 5x, दूसरा संख्या 3x, और इक्वल टू हो गया 375। गुणनफल है, जोगफल रहता तो इसको जोड़ देते, गुणनफल दिया है तो गुना कर दिए। अब बोला गया है कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या 5x की 3x, और आंसर हो गया आपका 50। क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए। 15/20, 48/7 ये भिन्न चुने, कटाइए। तो 3/4 पहला कटेगा, तो 12 से कटाइए। चलिए 3/4 7 से कटाए, अगला को 25 से कटाइए, तो सबसे ऑड कौन हुआ? 4/5 किसके बदले? 48/60 के बदले। चलिए, एक मशीन के निर्माण मूल सामग्री अतिरिक्त खर्च इतना 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 है, और टोटल जो है, अब बोला गया यदि अतिरिक्त खर्च इतना है तो अतिरिक्त खर्च का रेशियो कितना है? 1। तो 1 का मान हो गया आपको इतना, 1,49,500। तो टोटल निकालना है, तो टोटल जोड़ दीजिए, 5, 3, 8, 1, 9। चलिए, 500 × 9 हो गया 4,500, हासिल हो गया कितना? 4। अब आइए, 81 और 4, 85, अब हासिल कितना? 8। 14 × 9 बोलिए 126, और 8 हासिल था 124। 13, 45, 500 आंसर हो गया बी नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन है अब आपको, पेज थोड़ा और ऊपर बढ़ाते हैं। इस चार्ट को समझना है, इस चार्ट को समझना है तो प्राप्तांक दिया गया 0 से 10, 11 से 20। 0 से 10 तक में 5 आदमी को आया है, 5 आदमी को 0 से 10 के बीच में नंबर आया है। 11 से 20 में कितना है? 9 है। इस तरह एक चार्ट दिया हुआ है। अब कहता है कि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो पहले विद्यार्थी का संख्या टोटल क्यों नहीं जोड़ लिया जाए, इसको टोटल कर लीजिए। जोड़िए 5, 14, 30, 52, 76, 77, 78, 78 और 18 बोलिए 96, 96 और 11 बोलिए 107, 107 और 10 बोलिए 117, 3, 120। चलिए, बोला गया 41% में पास है, तो 41 यहाँ से यहाँ है, तो इधर वाला हो गया पास, इधर जो भी हो गया फेल हो गया, ये सब क्या हो गया? फेल। तो जोड़ लीजिए, तो 5, 9, 14, 16, 30, 22 कितना हो गया? 52। तो इसका परसेंटेज निकालना, तो 52 को फेल किया कितना में? 120 में, गुना कितना? 100।
130 बटा 3 हो गया, 130 बटा 3 हो गया। आंसर तो पूरा पूरा नहीं है, तो कहेंगे अप्रॉक्स में आएगा, तो 43.33 हो गया, तो आंसर हो गया लगभग 43। अगला क्वेश्चन, कितने प्रतिशत विद्यार्थी 80% से ज्यादा 80% तो यहाँ देखिए 80 से ज्यादा इधर है, तो इधर वाले सबको ये करिए, तो 4 3 के गो हो गया 7 गो, और कितना में 120 में गुना 6% के आसपास, 6 6 36 होता है ना, 6% के आसपास, तो उसके नज़दीक का ऑप्शन देख लिया जाए, 6 से थोड़ा कम लेकिन 6 के आसपास, तो आंसर 5.8%। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, बोला गया है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो 41 से 70% के बीच में अंक प्राप्त किए, 41 से 70 तक यहाँ हो गया, तो इसको जोड़ लिया जाए, 26 और 18 44 और 11 55, टोटल कितना है 120 गुना कितना 100, तो 45% या उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो ऑप्शन दे देते हैं 5.8, इसको हम 54 मान लिए, 54 इसको मान लिए 54 और कटा दिए, क्योंकि लगभग में हमको कटाना है, पूरा के चक्कर में हम नहीं पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्लैट का कीमत 15% हर साल बढ़ रहा है, भी इतना है तो 2 साल बाद, तो कम है तो क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर का, लेकिन बढ़ रहा है 2 साल बढ़ा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से बनाइए, अभी आपको कितना है 6,60,000 है, अब 15% 2 साल बढ़ाना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मेथड याद करिए, 15 का स्क्वायर 225, 2 हासिल 30 और 2 32, तो इतना परसेंट निकालिए तो ये पता चला है कि बढ़ा कितना, अब बढ़कर कितना हो गया, तो एक यहाँ और जोड़ना पड़ता है, गुना करिए 6 से 6 गुना 25 150, 32 गुना 6 192, 1 हासिल 7 था, फिर से 25 गुना 6 150, हासिल कितना था 1 9, गलती हो पढ़ा रहा है, 1 हासिल था, 32 गुना 6 192 और 1 193, 1 6 1 7, ऑप्शन देखिए 7 9 3 5, यहाँ देखिए 7 9 3 5, चलिए इसमें भाग देना है, तो आइए 825 में 5 से भाग दीजिए, 825 में 5 से भाग दीजिए तो 165 आएगा, 165 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, अब बात रहा डेसिमल का, तो डेसिमल इसमें गिनिए 6 अंक के पहले या इसमें 2 अंक के पहले, तो 6 अंक का 2 अंक, दो दो अंक मेकअप हो गया तो बचेगा 4 अंक के पहले, तो इसमें 4 अंक आंसर हो गया। चलिए ट्रिगो थल का क्वेश्चन है, कौशिक थीटा मतलब 1 बटा साइन थीटा, टैन का मतलब साइन बटा कॉस, और यहाँ पर आपको दिया गया है बटा हो जाएगा 1 बटा कॉस, तो आंसर हो गया 1 बटा कॉस स्क्वायर।
चलिए अगला क्वेश्चन है, a का पावर माइनस टू माइनस वन डिवाइड ए स्क्वायर माइनस वन, इसका कैलकुलेशन पर कौन आंसर आएगा। तो सीधा जैसे बोला गया है लिखा जाए तो ये हो गया वन बाई ए स्क्वायर माइनस वन इंटू वन बाई ए स्क्वायर माइनस वन। वन बाई ए स्क्वायर माइनस वन यहाँ डिवाइड है तो इंटू कर दिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आइए, तो ऐसे तो ए वन बाई ए स्क्वायर ए वन बाई ए स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा माइनस वन, लेकिन माइनस वन कहीं दिख नहीं रहा है तो बनाते हैं। ए स्क्वायर हो गया इधर, तो इधर हो गया आपको, तो ये दोनों कट जाएगा तो आंसर बचेगा माइनस वन। इसमें कुछ एरर लग रहा है, ये तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या बच जाएगा माइनस वन। ये हो गया आपको वन बाई ए स्क्वायर, यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये प्लस से माइनस का तो आंसर हो जाएगा माइनस वन। हो सकता है कुछ गलत होगा या कहीं कहीं कोई ब्रैकेट होगा, हमको पता नहीं, जैसे लिखा हुआ उसका आंसर हो गया माइनस वन। चलिए तो अब आपका एक समाप्त हो गया। कल जो है कल इसी का भेजेंगे, ALP लिखा हुआ है 2018 का क्वेश्चन है, इसी में एक और शामिल किए हुए हैं। एक और ग्रुप डी का भी है 2018 का, कल ही दोनों सॉल्यूशन आपको जाएगा, तो आज रहने दिया जाए।